भगवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर में सत्र 2022-23 का वार्षिक परीक्षा परिणाम एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर ईश्वर चंद्रा एवं सुनील गोयल द्वारा मां सरस्वती के प्रमुख पुष्प अर्चन कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। मेरा नाम सुधा मजुमदार, मैं विद्यालय की प्रबंधिका हूँ। आज का कार्यक्रम था, वर्ष भर जो बच्चे प्रयास करते हैं उनके परिणामों की घोषणा। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा विद्यालय का। कुछ बच्चों ने थोड़ी कम मेहनत कर पाए किसी कारणवश, उनके दोबारा मौका दिया गया है। 15 दिन बाद उनका रीटेस्ट होगा और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह उत्तीर्ण करने लायक अपना प्रयास जारी रखें। विद्यालय का अनुशासन बहुत अच्छा है। कुछ बच्चों ने जिन्होंने पिछले वर्ष भी जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था 10वीं कक्षा में, वो इस बार भी एकादश कक्षा में प्रथम स्थान पर रही, उसको विशेष रूप से आशीर्वाद दिया गया कि अगले वर्ष 12th के एग्ज़ाम में भी वह जिले में अपना नाम रोशन कर, विद्यालय का भी नाम रोशन करें, प्रथम स्थान पर। विद्यालय के लिए बच्चों को मेरा ये संदेश है, परिणाम में मार्क्स का थोड़ा अंतर होता है, सब बच्चे एक बराबर इंटेलिजेंट होते हैं, अंतर है केवल ध्यान एकाग्र करने का। वही पुस्तकें होती हैं, वही तरीका होता है पढ़ाने का, लेकिन थोड़ा सा बच्चे जो ध्यान कम दे पाते हैं या किसी विशेष परिस्थिति के कारण, पारिवारिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण कुछ कम मेहनत कर पाते हैं, उनके अंकों में थोड़ा अंतर रह जाता है। लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं वो कभी असफल नहीं होते। ये मेरा है कि प्रयास करिए, अपने ध्यान को केंद्रित करिए और अपने संस्कारों से जुड़े रहिए, जो कि इस विद्यालय का विशेष योगदान है कि हम परिवार में बच्चों को सांसारिक करके, अनुशासित करके भेजें समाज में, जिससे कि उनका कोई विशेष योगदान हो सके।